मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाना है, कहाँ करवाना चाहिए, किससे करवाना चाहिए, एक चैरिटेबल हॉस्पिटल में करवाना चाहिए, कैंप में करवाना चाहिए, एक सरकारी अस्पताल में या सरकारी मेडिकल कॉलेज में करवाना चाहिए, या फिर हमें किसी निजी या प्राइवेट अस्पताल में करवाना चाहिए। ये एक ऐसा सवाल है जो हर मोतियाबिंद के मरीज के दिमाग में ऑपरेशन से पहले ज़रूर आता है, और इसके लिए वो ढेरों लोग इंसानों से सलाह लेता है। वो डॉक्टरों से सलाह लेता है, वो उन लोगों से सलाह लेता है जिन लोगों ने पहले मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाया है, और हर कोई अपने अनुभव के हिसाब से मरीज को सलाह देता है। कई बार मरीज़ की ये जो दिमाग में जो एक दुविधा चल रही होती है कि ऑपरेशन कहाँ करवाएं, किससे करवाएं, कौन सा लेंस डलवाएं, ये लोगों से पूछ के उनकी ये जो दुविधा होती है या जो शंका होती है उसका समाधान हो जाता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि इनकी ये जो दुविधा होती है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। कुछ लोगों का ये कहना होता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप कहीं भी करवा लीजिए, चैरिटेबल में भी करवाएंगे, अगर कैंप में भी करवाएंगे, तो हमने वहाँ ऑपरेशन करवाया था, हमारी तो बहुत अच्छी रोशनी आई। और कुछ लोगों का ये कहना होता है कि अगर कैंप में ऑपरेशन करवा लिया या सरकारी अस्पताल में करवा लिया तो हमारे एक रिश्तेदार ने करवाया था और उसकी तो आँख की रोशनी चली गई, डॉक्टर ने तो उसकी आँख ख़राब कर दी। और इस तरह की बातें सुन सुन के मरीज़ को और भी ज़्यादा घबराहट होने लगती है। बहुत सारे लोगों का ये मत होता है या दिमाग में ये एक बात होती है कि अगर हम एक प्राइवेट अस्पताल में करवाएंगे या एक निजी अस्पताल में करवाएंगे तो डॉक्टर वहाँ लूटता है, पता नहीं वो वही वाला लेंस जो उसने कहा है वो डालेगा या नहीं डालेगा। तो ये बहुत सारी जो दुविधाएं होती हैं, इन सारी दुविधाओं का समाधान, इन सारी दुविधाओं का जवाब मैं आज के इस वीडियो में आपको देना चाहूँगी। तो स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे एक और वीडियो में। मैं डॉक्टर पल्लवी मिश्रा आज आपके साथ मैं ये बताना चाहूँगी या इसके बारे में कुछ रोशनी डालना चाहूँगी कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन कहाँ करवाना चाहिए। एक रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों की आगे बढ़ने से पहले कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ में शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जो बगल में जो बेल आइकन है उसको भी हिट कर दीजिएगा ताकि भविष्य में आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। मोतियाबिंद का ऑपरेशन हर मरीज़ के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशन होता है, क्योंकि इस ऑपरेशन के बाद में या इस ऑपरेशन के साथ मरीज़ की जो निगाह होती है, जो विज़न होता है, वो जुड़ा हुआ होता है। अगर आप चीज़ों को साफ देख सकते हैं तो उससे बड़ी ब्लेसिंग, उससे बड़ी भगवान की कृपा कुछ नहीं होती। लेकिन अगर आप चीज़ों को देख नहीं सकते हैं, अगर आप अंधे हैं, तो उससे बड़ी जीवन में कोई परेशानी नहीं होती। देखिए, मोतियाबिंद के ऑपरेशन अगर मेन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं कि वो हम एक सरकारी अस्पताल में या सरकारी मेडिकल कॉलेज में करवाएं, और अगर हम एक प्राइवेट अस्पताल में या फिर जो बड़े बड़े कॉरपोरेट सेटअप में उनमें करवाएं, तो उनमें मोटा मोटा अंतर क्या होता है? सरकारी अस्पताल की या फिर एक सरकारी मेडिकल कॉलेज की बात करूँ, जैसे कि मैं खुद एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में कार्यरत हूँ, तो ऐसे मेडिकल कॉलेज में हर चीज़ के लिए काउंटर होता है। पर्चा बनने का एक काउंटर होता है, उसके बाद आपको ओपीडी में जाना होता है, उसके बाद एक बिलिंग का एक काउंटर होता है, खून जांचों का एक काउंटर होता है, आँख की जांचों का एक काउंटर होता है, और मरीज़ को खुद ही हर एक काउंटर पर जाना पड़ता है। अब क्योंकि जो मोतियाबिंद के जो मरीज़ होते हैं वो अधिकतर ज़्यादा उम्र के लोग होते हैं, 60 साल से ऊपर के लोग होते हैं, तो उनके लिए पर्चा बनवाना, फिर हर एक काउंटर पर जाना थोड़ा सा तकलीफ़देह होता है। उसके अलावा क्योंकि जो सरकारी अस्पताल होते हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है, जैसे ही मैं अपनी ओपीडी में घुसती हूँ तो बहुत लंबी लाइन लगी होती है मरीज़ों की जो पर्चा बनवाने के लिए खड़े हुए होते हैं, और मुझे कभी कभी खुद ये आश्चर्य होता है कि कैसे ये इतने सारे लोग खड़े हैं एक लाइन में, कितनी देर से लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं, लोग सुबह से आके नंबर लगाते हैं ताकि समय रहते एक डॉक्टर उनको देख ले। तो सरकारी अस्पताल की ये थोड़ी सी ड्रॉबैक्स होते हैं, मैं ड्रॉबैक्स भी इनको नहीं कहूँगी, क्योंकि देखिए जब भीड़ इतनी होती है तो काम को उतना एफिशिएंसी से करना संभव नहीं हो पाता है।
प्राइवेट अस्पताल में अगर देखें तो उतना ज़्यादा, क्योंकि मरीज़ का लोड नहीं होता है, प्लस हर चीज़ के लिए एक कर्मचारी रखा हुआ होता है कि अगर आपको जांचें करवानी है तो कोई आएगा, आप जहाँ पर बैठे हुए हैं ओपीडी में वहीं से ये वो आपका सैंपल ले जाएगा, या वो घर में आप बुक कर देंगे तो वो घर से आपका सैंपल ले जाएगा। तो चीज़ों को मतलब कोई भी जांचें करवाना या फिर ओपीडी में दिखवाना कंपैरेटिवली आसान होता है। लेकिन अगर आप सर्जरी की एफिशिएंसी की बात करें, डॉक्टर की स्किल्स की बात करें, तो मैं कहूँगी कि दोनों में लगभग सेम ही होती हैं। ऐसा नहीं है कि अगर वो सरकारी अस्पताल का डॉक्टर है तो वो ख़राब है, या अगर वो एक निजी अस्पताल का डॉक्टर है तो वो ख़राब है। दोनों की जो स्किल्स होती हैं, या दोनों की जो क्षमता होती है, या दोनों की जो कार्यप्रणाली होती है, वो एक ही प्रोटोकॉल को फॉलो करती है। अब हम बात करते हैं पैसे की। हाँ, तो नो डाउट सरकारी अस्पताल में बहुत सारी सरकारी सुविधाएं होती हैं, तो चीज़ें थोड़ी सस्ती होती हैं। जैसे हमारे सरकारी अस्पताल में पर्चा 5 रुपए का है, लेकिन आप किसी प्राइवेट अस्पताल में या किसी प्राइवेट बड़े कॉरपोरेट हॉस्पिटल में ये उम्मीद नहीं कर सकते कि 5 रुपए का वहाँ पर पर्चे में कोई डॉक्टर आपको देखेगा। वहाँ पर्चे की जो मिनिमम कीमत होती है, मैं कहूँगी बड़े कॉरपोरेट में 1000 से तो शुरुआत होती है। तो पैसे की जो खर्चा होता है वो दोनों में, उसमें मैं कहूँगी कि हाँ, ज़मीन आसमान का अंतर होता है। लेकिन जो डॉक्टर की जो काबिलियत होती है, जो स्किल्स होती है, जो लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, जो मशीन का इस्तेमाल होता है, या जो सर्जरी का जो तरीका होता है, वो दोनों जगहों पर लगभग एक समान होता है। तो अगर आपके पास में ये है कि आप सरकारी अस्पताल की भागदौड़ कर सकते हैं, आपके पास में कुछ लोग हैं साथ में सपोर्ट करने के लिए, और अगर आप थोड़ा सा समय दे सकते हैं, तो सरकारी अस्पताल में भी इलाज बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर आप बहुत उम्र दराज हैं, साथ में कोई जाने के लिए नहीं है, प्लस अगर आपका इंश्योरेंस है, तो प्राइवेट अस्पतालों में भी इलाज अच्छा होता है। बाकी लेंसेज के बारे में अगर मैं आपको बताऊं कि कौन सा लेंस डलवाना चाहिए, और क्या ऐसा तो नहीं है कि सरकारी अस्पताल के डॉक्टर चोरी कर लेते हैं या फिर प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर चोरी कर लेते हैं, तो इस बात का भरोसा रखिए, चोरी कोई डॉक्टर नहीं करता है। जो लेंस आपको बताया जाता है, जिस लेंस के लिए आप पसंद करते हैं और आपकी आँख सूटेबल होती है और आप हामी भरते हैं, वही लेंस आपकी आँख में डाला जाता है। तो उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आँख की बीमारी के संबंध में किसी भी जानकारी के लिए आप मुझे नीचे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी आँखों का ध्यान रखिए। जय हिंद।